पेशावर में जब कई मासूमों की जान गई तो हिंदुस्तान के हर स्कूल में बच्चों ने मौन रखा। ये उम्मीद कि अगर हम एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में एक साथ खड़े होंगे तब शायद कोई रास्ता निकले। लेकिन ये जो नई साजिश का खुलासा हो रहा है उससे ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। कुछ कहते हैं नवाज शरीफ साहब और फिर कुछ दिन बाद कुछ और हो जाता है। कहीं ये मुहावरा तो नहीं कि जो पलटे वो पाकिस्तान सच होता हुआ दिख रहा है। यही वो सवाल है जिसका सामना हमें करना है, क्योंकि अपनी पीठ हम थपथपा सकते हैं कि हाँ हमारे कोस्ट गार्ड ज्यादा अलर्ट है, हाँ हमारी खुफिया एजेंसी ज्यादा अलर्ट है, लेकिन उस पाकिस्तान का क्या जिसके साथ हमें आगे बढ़ना है आतंकवाद को झेलते हुए नाकाम भी करते हुए। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। गौरव, आप ब्रेक से पहले मेहता साहब से डिफर कर रहे थे उनकी पॉइंट के खिलाफ। कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसकी वजह से साफ उंगली उठी हुई दिखाई देती है पाकिस्तान की तरफ से और यह एक आतंकी साजिश दिखती है? देखिए, जनरल साहब का मत यह है कि पेशावर पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया है। लेकिन जो बिहार, बिल्कुल नहीं कहा, छोड़ नहीं दिया, छोड़ने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़ने का प्रयास कर रहा है। मेरा यह मत है कि जो भारत की तरफ पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है उस पर नकेल कसने की पाकिस्तान बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है, चाहे वो नियंत्रण रेखा पर हो, इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो या फिर भारत के अंदर हो। जो अभी बेंगलोर में ब्लास्ट हुआ है, बेंगलुरु में ब्लास्ट हुआ है, उसके भी तार लश्कर से जोड़कर देखे जा रहे थे। पैसे का ट्रांसफर इंटेलिजेंस एजेंसीज तलाश रही है, पहली बात। दूसरी बात, इंडियन मुजाहिदीन को लगातार लश्कर ए तैयबा की मदद अभी भी मिल रही है। हाफिज मोहम्मद सईद पेशावर हमले के 24 घंटे बाद भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है पाकिस्तान में। हाफिज सईद पर कोई नकेल नहीं कस रहा है पाकिस्तान। आतंकवाद बरकरार है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान बीएसएफ को एम्बुश कर रहा है, हमारे एक जवान को शहीद कर दिया। ये तो अब स्थिति बदल गई है कि भारत ने एक जवान के बदले पाकिस्तान के 5 रेंजर्स को शहीद किया। बिल्कुल, सवाल तो सिर्फ इतना है कि अगर वाकई नवाज शरीफ साहब ईमानदार हैं तो क्यों नहीं हाफिज सईद से शुरुआत करते हैं, जिसने ऐसी आतंकी घटना के बाद पेशावर में हिंदुस्तान की तरफ पूरे FIR आपके तहरीके तालिबान के खिलाफ और हिंदुस्तान का नाम ले रहे थे साहब, वो कैसे उस पर भरोसा करें? भाई देखिए, आप दो फ्रंट तो नहीं खोल सकते। वो युद्ध लड़ रहे हैं TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और वो एक तरफ जब युद्ध चल रहा है तो दूसरा फ्रंट तो खोलना अली मुश्किल है उनके लिए। जो गौरव सावंत साहब ने कहा वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल की तुलना ऐसे आतंकवाद के साथ, ऐसे बड़े आतंकवाद की कोशिश के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ये दो अलग चीजें हैं। तीसरी बात मैं ये कहूँगा, तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो दबाव पाकिस्तान के ऊपर और उनका $1 बिलियन जो एनुअली जाता है कोलिशन सपोर्ट फंड पर, उसके ऊपर रोक लगने की धमकी है। और आपने अगर हकानी साहब, सर वो पहले कब सुधरा है? और LOC से है लिंक? एक सेकंड सर, LOC में कवर फायरिंग के जरिए तो आतंकियों को घुसाते हैं वो, कवर है LC, उसका कवर के लिए इस्तेमाल होता है। LC डायरेक्ट लिंक है सरहद पर भी, समुद्र में। LC पर जो होता है वो सब बातें जो हमारी तरफ से होती है जो उनके वो स्पष्ट नहीं होती। LC की तुलना मत कीजिए। लेकिन जो बातें हुसैन हक्कानी साहब ने लिखी है कि 26/11 के हमले के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान से एक आश्वासन लिया है कि 26/11 या वैसा कोई हमला पाकिस्तान की जमीन से। साहब अच्छा है कि आपको भरोसा है, लेकिन हिंदुस्तान और आम हिंदुस्तानी कम से कम पाकिस्तान के पहले आश्वासनों के बदौलत नहीं भरोसा करेगा। पेशावर, नहीं भरोसा करेगा। कराची से निकली है बोट पेशावर के बाद उनको थोड़ा मौका देना चाहिए, और जब तक ये बातें स्पष्ट नहीं हो जानी चाहिए। ठीक है, संबित पात्रा जी। देखिए, अशोक मेहता जी हमारे सीनियर हैं। मैं अशोक मेहता जी की बात को काट नहीं रहा हूं, मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मैं पूछता हूं, क्या सांप कभी अपने जहर को छोड़ सकता है? क्या सांप यह आश्वासन दे सकता है कि मैं जहरीला नहीं हूंगा? क्या पानी अपनी ठंडक को छोड़ सकती है? क्या सूरज अपने ताप को छोड़ सकता है? ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ नहीं सकता है। टेक्निकली आप देखिए, सैयद अकबरुद्दीन ने बिल्कुल सही कहा था, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान। और मैं जोड़ के देख रहा हूं,
अशोक साहब कह रहे हैं कि एलओसी से जोड़ के मत देखिए, एलओसी में आज ही होम मिनिस्ट्री ने कहा है 50-60 आतंकवादियों को अंदर घुसाने का प्रायोजन है, ये सीज फायर के बहाने 50-60 आतंकवादियों को इंपोर्ट कर देना चाहता है पाकिस्तान। ठीक उसी प्रकार समुन्दर के रूट से भी आतंकवादी हिंदुस्तान आ रहे थे, असले के साथ आ रहे थे, चारों तरफ से हिंदुस्तान में आतंकवादियों को घुसाने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो एलओसी से हो चाहे वो समुन्दर से हो। पाकिस्तान के पास दाऊद भी है, आप ही के चैनल ने खुलासा किया था, दाऊद भी है, सईद अपना हाफिज सईद और लखवी भी है, तो तमाम वो एजेंसीज जो कि इंडिया के खिलाफ काम करती है, जिसको वो गुड टेररिज्म के रूप में देखता है, उन तमाम एजेंसियों को पाले हुए है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करना कि पेशावर के बाद पाकिस्तान जहर त्याग के ऐसा सांप बन गया है जो तपस्या कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तमाम पैनलिस्ट, चूंकि अशोक जी जो बात कह रहे हैं वो बाकियों की बात से जरा भिन्न है, पहले राकेश जी अगर आप इस पर रिएक्ट करना चाहें, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सुधरने का वक्त, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। देखिए एक बात जान लीजिए, ये जो घटना घटी उसमें यथार्थ सामने आ गया, हमारे कोस्ट गार्ड ने बता दिया कब कब इंटरसेप्ट किया और गौरव सामंत ने एक एक घटनाओं का जिक्र किया। जहां यथार्थ सामने हो वहां कल्पनाशीलता की जगह नहीं रहती है, ना षड्यंत्र सिद्धांत की जगह रहती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी राज्य फेल्ड स्टेट है, नवाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं, वो बेचारे हैं, किसी तरह से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वहां पर जो एक टेररिस्ट का ग्रुप है, जो इस्लामिक टेररिज्म करना चाहता है, इस्लाम को खतरे के नारा देकर करना चाहता है, वो भारत को टारगेट कर रहा है। उस 100 पेशावर के बाद भी भारत को टारगेट करने से नहीं रुकेगा। इसलिए आज जो मेहता साहब कह रहे हैं वो अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर कह रहे हैं, एक अलग सिद्धांत देना चाहते हैं, जो ये सिद्धांत यथार्थ के चट्टान से चकनाचूर हो जाता है। ये आज जो कह रहे गलत कर रहे हैं। दूसरी बात में थोड़ी सी बात में कहना चाहता हूं, यूपीएनडीए की बात संजय निरुपम जी ने कही थी। देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो यूपीए सरकार में आई थी, उसने भारत की सेना को, आईबी को, रॉ को, आईएसआरओ को, डीआरडीओ को, इन पांचों एजेंसियों को सांप्रदायिकता के आधार पर तोड़ने का, डिमोरलाइज करने का काम किया था। बहुत ही बेभस जघन्य काम था, पूरे देश ने उसकी निंदा की थी और हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अकेला संगठन था जो उसके खिलाफ खड़ा था। इसलिए मैंने कहा कि ऐसी एजेंसियों को अपनी राजनीति का हिस्सा न बनाएं, यही एजेंसियां हमें सुरक्षा देती हैं, हमारी जान बचाती हैं, 24 घंटे 365 दिन हमारे लिए कार्य करती हैं। इसलिए कृपया भविष्य में हम शपथ लें कि अपनी छोटी राजनीति के लिए, डिबेट में एक दूसरे को आगे पीछे करने के लिए, हम ऐसी एजेंसियों पर आरोप प्रत्यारोप न करें। संजय जी ठीक है, राजनीति कम सतर्कता ज्यादा। देखिए मुझसे पूछ रहे हैं आप सवाल जी संजय जी। जी संजय जी देखिए अभी अशोक मेहता जी जो कह रहे हैं उस बात, उस संदर्भ में मुझे एक ही बात कहना है कि पाकिस्तान को लेकर के भारत को गलतफहमी में रहने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान की मेन रणनीति, मुख्य रणनीति, मेन स्ट्रेटजी है हिंदुस्तान में आतंकवादियों को भेजना, सीमा के ऊपर उत्पात मचाए रहना और किसी तरह से भारत परेशान रहे, हैरान रहे, इस तरह का इंतजाम करना। तो पाकिस्तान को लेकर के भारत की एक भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए, हर हाल में पाकिस्तान की सरजमीन पर जो आतंकवादी संगठन पल रहे हैं उनको कैसे कमजोर किया जाए, पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को हमारे यहां भेज रहा है आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए उनको कैसे रोका जाए, और जो आतंकवादी पाकिस्तान की जमीन पर हैं, जो हमारे यहां हमले हुए और उसके जो एक तरह से सूत्रधार रहे हैं, उनको कैसे निस्तनाबूत किया जाए, उनको कैसे पकड़ा जाए, उनको कैसे सजा दिलाई जाए, इस संदर्भ में भारत को काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान के संदर्भ में किसी प्रकार की उदारता रखना मुझे लगता है सही डिसीजन नहीं होगा। ठीक, राज का दयान जी जल्दी से आप, अगर आप मेहता साहब की बात पर रिएक्ट करें। देखिए जो जनरल मेहता जी कह रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन हमारी ख्वाहिश, हमारी इच्छा एक तरफ है, असलियत दूसरी तरफ है। जो मेहता जी कह रहे हैं वो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के बर्ताव में बदली हो, दोनों देश शांति से रहें, दोनों देश प्रगति पर चलें, लेकिन असलियत बिल्कुल इसके विपरीत है। अगर आप हालात को देखें, 16 तारीख को पेशावर अटैक हुआ, 17 तारीख को नवाज शरीफ जी ने बयान दिया कि अच्छे और बुरे तालिबान नहीं होते, उन्होंने टेररिस्ट नहीं बोला, सिर्फ तालिबान बोला, लश्कर तैयबा का, जैश मोहम्मद का कोई जिक्र नहीं किया। बिल्कुल उनके ये कहने के एक दिन बाद आप लखवी को छोड़ देते हो, उसके बाद आपने एक भी टेररिस्ट कैंप जो पीओके में लगे हुए 40-42 कैंप पे किसी को बंद करने के कोई संकेत नहीं दिया, फिर आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी उसको एक्टिव रखना चाहते हो, बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। जहां तक नवाज शरीफ की नियत का सवाल है, वो नियत शायद उनके साफ हो लेकिन वो बेबसी के प्रधानमंत्री हैं, वो तो एक कठपुतली हैं,
सारी सत्ता पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी चला रही है, जो पहले पर्दे के आगे से चलाती थी आज वो पर्दे के पीछे से चला रही है। तो पाकिस्तानी आर्मी के डीएनए में यह है, खासकर 1971 की लड़ाई के बाद, कि वो जो ईर्ष्या, वो जो एक घृणा पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ है वो उनके ब्लड में समाये हुए। जब तक वो नहीं बदलाव आएगा कुछ नहीं बदलने वाला। गौरव, एक भी कदम पाकिस्तान ने जो भारत की तरफ आतंकवाद आ रहा है उसको रोकने के लिए नहीं लिया है। ये जो इंटरसेप्ट्स हैं, किसको इंटरसेप्ट कर रही थी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज? ना तहरीके तालिबान को, ना अलकायदा को, ये साफ तौर पर लश्करे तैयबा को इंटरसेप्ट कर रही थी। और कुछ ऐसे और संगठन हैं जो लश्करे तैयबा का फ्रंट है, अलग अलग नाम से है, उनको इंटरसेप्ट कर रही थी, एक और एक विभाग को इंटरसेप्ट कर रही थी। और उस विभाग को इंटरसेप्ट करने के आधार पर यह जानकारी आई थी कि यह जहाज निकलेगा, यह हाई सीज पर एक ट्रांसफर करेगा, कुछ लोग और कुछ सामान ट्रांसफर होंगे और वो गुजरात की कोस्ट पर आके वहां पर हमला करेंगे। यह पूरा इंटरसेप्ट किसका हो रहा था उसी के आधार पर पता चल जाता है कौन खतरा है। मेहता साहब जल्दी से देखिए, अगर इसका जो अंजाम है कि 4 या 6 आतंकवादी गुजरात पोरबंदर में आ गए और उन्होंने एक पेशावर कर दिया अहमदाबाद में या किसी और जगह पर, वो उससे तो युद्ध शुरू हो जाएगा। और कौन चाहता है इस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ युद्ध? तो ऐसा ऐसी जल्दी में ये हमला। राकेश जी जल्दी से ब्रेक पर जाना। आज मेहता साहब एक कवि की भूमिका में है, एक दार्शनिक की भूमिका में यथार्थ से मुंह मोड़ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जो युद्ध नहीं चाहता तो वो सीमा पर क्या कर रहा है? वो युद्ध चाहता, उसके हार जीत की चिंता नहीं है। देखिए, टेररिस्ट स्टेट को हार जीत की चिंता नहीं होती है। और पाकिस्तान के जिन में भारत के खिलाफ नफरत है, आप इससे मुख मत मोड़िए। पाकिस्तान की तरफदारी करने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पाकिस्तान की ब्रीफिंग आप लें या ना लें, कि पाकिस्तान आज जो कर रहा है वो भारत विरोधी अभियान कर रहा है और टेररिज्म के माध्यम से कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन उस नफरत को कम से कम इंसानियत में बदलने की कोशिश जरूर की थी। हिंदुस्तान के हर स्कूल में अगर हर बच्चा 2 मिनट के लिए मौन रहा था तो सिर्फ दुख और तकलीफ नहीं थी, एक उम्मीद भी कहीं छिपी थी कि शायद पाकिस्तान सुधरेगा। इस साजिश के बाद ऐसा नहीं लगता। चाहे जितना भी हम चाहें, पाकिस्तान उसकी नीयत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान के अंदर अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, अपनी सतर्कता के लेवल को, स्तर को बढ़ा सकते हैं। और वही करते हुए इस साजिश को नाकाम करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। ये शायद सबसे ज्यादा राहत देने वाली बात है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई ऐसा नहीं लगता है संजय जी कि यूपीए से एनडीए में कुछ बदला है? क्या जो बात कह रहे हैं कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं, उनमें वो जोश भरने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी की रही है वो रंग दिखाई दे रहा है? बड़ी ये जो बात हमारे राकेश जी कह रहे हैं बड़ी हास्यास्पद सी लग रही है मुझे। हमारे यहां सेना के जवान या सुरक्षा भाग से जुड़े हमारे जो साथी हैं या फिर खुफिया के जवान हैं, उनके उनमें कम से कम राजनीति की बात मत लाइए। उनका एक बड़ा प्रोफेशनल किस्म का, वही तो आप करते रहे, मैं वही बात तो कहा, लोगों को पूरी आजादी की रिपोर्ट पढ़ जाइए, उसमें का डिबेट देखिए। संजय जी, राकेश मेरी बात हो जाने, संजय जी एक छोटा सा, राकेश मेरी बात हो जाने दीजिए, राकेश जी मेरी बात हो जाने दीजिए, उसका जवाब दीजिए, राकेश जी मेरी बात हो जाने दीजिए, आप मिसलीड कर रहे हैं, राकेश जी मेरी बात हो जाने दीजिए, कमेटी की रिपोर्ट, राकेश जी गलत कर रहे हैं, राकेश जी मेरी बात हो जाने दीजिए प्लीज। 26/11 आपको शोभा नहीं देता, किसने कहा? राकेश जी, दिग्विजय सिंह ने उस पुस्तक को रिलीज किया था, आप जवाब दीजिए। अरे राकेश, राकेश सिन्हा जी मेरी बात हो जाने दो भाई, इतना 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 अधीर क्यों हो जाते हैं? मुझे लगता है भारतीय, मुझे लगता है भारतीय, अच्छा एक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों में जब से सरकार आई है तब से कुछ अजीब तरह का अहंकार हो गया है। सबसे बड़ा देश का बैकग्राउंड आपका भी है संजय जी, और चूंकि बीजेपी को वोट मिल गया इसलिए जो बोलेंगे वो सब सही है। कृपया करके इस प्रकार का बड़बोलापन बंद करिए। मेरा कहने का आशय ये है, मेरे जवाब तो दे दीजिए, 26/11 आरएसएस का षड्यंत्र बताने वाली किताब का रिलीज, एक मिनट पूरी बात होने दीजिए, राकेश मेरी बात हो जाने दो प्लीज, पहले आप उनकी, राकेश मेरी बात हो जाने दीजिए प्लीज, जब आपकी बारी आया आप बोलिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं तो इतना कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के, अरे आप बहुत महान आदमी हैं, बहुत बड़े विचारक हैं, आप बहुत बड़े चिंतक हैं, देश के सबसे देशभक्त संगठन के कार्यकर्ता हैं आप,
जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं, अन्य लोगों से भी रिएक्शन लिया प्लीज प्लीज। की बात होती है 10 साल से चुप जो आप बात रखेंगे कुछ जरूरी नहीं कि मैं यूपीए सरकार और मैं जो बात रखूंगा जरूरी नहीं है, लेकिन इस प्रकार की बदतमीजी अगर मैं अपनी कोई बात रख रहा हूं तो बदतमीजी प्लीज राकेश जी बात कर लेंगे ठीक है। मुझे लगता है संजय निरुपम जी आप लोग सत्तारूढ़ दल हो, कम से कम अहंकार त्यागिए और विपक्ष को सुनने की आदत रखिए। आप बड़े महान हैं, बड़े भारी चिंतक हैं, बहुत बड़े देशभक्त हैं, आपके अलावा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है देश में। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, ऐसे आप दोनों से निवेदन है कि आप दोनों प्लीज अपनी आवाज थोड़ी नीचे कर लें, एक साथ बोलेंगे तो नहीं होगा। इस बीच मेहता साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि युद्ध तो यहीं पे शुरू हो गया है, राजनीतिक युद्ध। बात वास्तव में ऐसी है कि ये जितने भी कोस्टल डिफेंस है, सर्वेलेंस है, मॉनिटरिंग है, ये सब कार्रवाई यूपीए सरकार के टाइम से शुरुआत हुई है इसकी। ठीक है, आप और आप उसका ये मानते हैं। और बिल्कुल उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल ठीक और ठीक उसका ठीक जो ठीक परिणाम रहेगा जी मेरी बात तो इंटेलिजेंस 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 बहुत सॉरी के साथ मैं आपको रोक रही हूं बीच में। प्लीज निवेदन है राकेश जी, संजय जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप सबके पास आएंगे प्लीज। आप सबसे निवेदन है, बहुत मुश्किल है सबको एक साथ चुप कराना। संजय जी प्लीज अपनी बात कहें संक्षिप्त। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा था कि खुफिया एजेंसी और जो सुरक्षा के हमारे साथी हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके बारे में कभी किसी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए एक, और दूसरे राजनीतिक नेतृत्व के रहते वो अच्छा काम करते हैं और राजनीतिक नेतृत्व को सारा श्रेय दिया जाए उनके अच्छे कामकाज का, ये अप्रोच ही गलत है क्योंकि ये एक बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की बॉडी होती है। हाँ इनको पूरी आजादी मिली हुई थी, मिली हुई रहेगी। हाँ कभी भी जो सतर्कता होती है उसमें थोड़ी सी भी छूट हो, थोड़ी सी भी भूल हो जाए तो बहुत बड़ा आतंकवादी हादसा हो जाता है। सौ अगर आतंकवादी 100 बार प्रयास करते हैं और तो 99 बार हम उनको फेल करते हैं। वक्त इतने की इजाजत देता है लेकिन संबित पात्रा जी एक लाइन में प्लीज अपनी बात अगर पूरी कर सकते हैं जल्दी से एक लाइन में। देखिए सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, और यूपीए के समय तो सतर्कता थी ही नहीं, प्रधानमंत्री सतर्क नहीं थे स्वाभाविक रूप से। और दूसरा है दिग्विजय सिंह, अब इस दलदल में कूदेंगे तो सबके हाथ गंदे होंगे। एक ब्रेक, खतरा इस समय अभी टला नहीं है, आतंकवाद का खतरा बहुत बड़ा अभी भी है 26 जनवरी से पहले, और जब तक पाकिस्तान में वो आतंकवादी कैंप है खतरा रहेगा। और इसी के साथ इस चर्चा का अंत करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान है तैयार और पाकिस्तान को कम से कम इतने सारे जवाबों के बाद भी समझने की कोशिश करनी चाहिए क्या हालत उसने अपनी बना ली है, अपने देश की बना ली है, अभी भी सुधरने को तैयार नहीं दिखता है। आप देखिए